ये बंबई है, हिंदुस्तान का दरवाजा, बड़ा शहर, बहुत बड़ा शहर, खूबसूरत शहर। आज 100 बरस पहले ये शहर नहीं था। समंदर में सोते हुए चंद टापू थे और उन पर मछली पकड़ने वालों के 200-400 झोंपड़े थे। मगर आज इस शहर में 50 लाख आदमी रहते हैं। इनमें से हर आदमी या उसका बाप या दादा कहीं बाहर से यहाँ आया था, और उनमें से हर एक अपने मन में छुपा हुआ एक सपना साथ लाया था। 50 लाख इंसान, 50 लाख सपने। बंबई में आने वालों के लिए आलीशान मकान ही नहीं, शानदार होटल भी है, जहां वो एयर कंडीशन कमरों में आराम की नींद सो सकते हैं और सुनहरे सपने देख सकते हैं। बंबई की नई बिल्डिंगें बड़ी खूबसूरत हैं। बंबई वालों के रहने के मकान बड़े अनोखे हैं। वीर सूरमाओं के इतिहास की छत्र छाया में बंबई का नौजवान अपनी तरक्की के ख्वाब देख रहा है। बंबई की मिलों में रात दिन काम होता है, कई करोड़ गज नफीस सूती और रेशमी कपड़ा तैयार होता है, ताकि हर हिंदुस्तानी को लिए कपड़ा मिल सके। कपड़ा ही नहीं, हिंदुस्तान के सब शहरों से ज्यादा दौलत बंबई में पैदा होती है। देखिए इन कारों को देखिए, मछलियों की तरह सडोल कारें, परिंदों की तरह पंख फैलाए कारें, हवाई जहाजों की तरह तेज रफ्तार कारें। ये खुशहाली और दौलत का कारवां पुकार पुकार कर कह रहा है कि दुनिया के दूसरे बड़े शहरों की तरह बंबई में भी मशीन ने इंसान को जानवरों की तरह बोझ घसीटने की मेहनत और जिल्लत से हमेशा के लिए आजाद कर दिया है। मगर अब इसी बंबई को इस दीवाने कवि की आंखों से देखिए। पत्थर के इन बुतों की तरह आज बंबई खामोश क्यों है? शहर की रौनक कहाँ गई? बाजार सुनसान क्यों है? ये शानदार बिल्डिंगें खड़ी हैं, मगर इनमें रहने वाले इंसान कहाँ गए? क्या ये शहर मर गया है? क्या ये शहर मर गया है? हाँ, ये शहर शायद मर ही गया है। शहर की सारी रौनक, शहर की तमाम जिंदगी इंसानों के दम से है, और जिस शहर में इन इंसानों और उनके सपनों के लिए जगह नहीं, वो शहर नहीं वीराना है। वीराना, ये वीराना है या शहर है, जो भी है, हर रोज देश के कोने कोने से कितनी ही ट्रेनें बंबई आती हैं, और हर ट्रेन में सैकड़ों नौजवान आते हैं, और उनमें से हर एक के दिल में एक सपना छुपा होता है। और हर बार जब ये सपना शहर की पथरीली दीवारों से टकराता है, तब एक नई कहानी जन्म लेती है। शहर और सपना। काम वाली छपरा वाला चाल, 2 रुपए होंगे तो ठीक है जी।